पुनः जो है ना स्वागत है क्राइम फ्री भारत प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि क्या भयावह स्वरूप बनने वाला है, क्लाइमेट चेंज के कारण, केमिकल की ओवरडोज के कारण, हार्मोन्स की ओवरडोज के कारण, और हम कैसे जो है इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक मॉडल हमने जो डेवलप किया है उस मॉडल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। और जैसा हमने कहा है कि इट इज ए मॉडल फ्रॉम स्केयर्सिटी टू अवंडेंस, और ये धन की वर्षा करेगा। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक प्रेजेंट स्कीम है ज्वाइंट वेंचर स्कीम, तो ये ज्वाइंट वेंचर स्कीम के ऊपर जो है इवॉल्व किया गया है। तो सीएफबी के जो इन्हे एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो कैसे रीच आउट करेगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। सो हाउ वी विल बी रीचिंग आउट टू द फार्मर्स, हाउ विल बी रीचिंग आउट टू द जो नर्सरीज हैं जो सैपलिंग बना रही हैं वो, हाउ वी विल रीच आउट टू सीड्स पीपल जो हु आर रिस्टोरिंग सीड्स एंड डूइंग दैट। यहाँ पे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और जो जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड्स हैं उनका जो ना एंड करना है, वो बिल्कुल नहीं चलेंगे आगे। वी विल गो फॉर द ट्रेडिशनल एंड काइंड ऑफ द थिंग्स जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी है, राइट? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस भी है एंड दे आर क्लोज टू द नेचर, राइट? सो इस मॉडल में जो है बेसिकली द ज्वाइंट वेंचर्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो पहले ये अकेला एग्रो फील्ड में था, फिर हमने ई कॉमर्स डायमेंशन लाके इसके इकोसिस्टम को पूरा बढ़ा दिया है। अब इसमें जो है ना बनिया रिटेलर वो सब चीजें, तो हम केवल उसकी रोटी पार्ट को नहीं हैंडल करेंगे, हम रोटी कपड़ा मकान एटसेट्रा को भी हैंडल करेंगे। तो वो जो है आपको जो है ना आपका सबसे गरीब आदमी उसकी अवेलेबल जमीन पे जो उसके हिसाब से जो बेस्ट मॉड्यूल हो सकता है उसके घर का वो भी बना के सीएफ भी देगा। मतलब इट विल बी ए माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये दिस इज वन इकोसिस्टम। देन जो है ना वी आर गोइंग विद द ज्वाइंट वेंचरशिप विद द एग्रो इंडस्ट्रीज। जहां हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे वहां पर हम प्रेजेंट इक्विपमेंट को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो अवर जो है ना टीम, अवर कॉन्सेप्ट विल बी लोडेड ऑन दैट एंड IoT devices and those kind of the things will be fitted so that गड़बड़ी करना किसी के लिए जो है संभव नहीं होना चाहिए। हमारा वैल्यू सिस्टम इतना डिटोरिएट कर गया है कि आज जिसके दिमाग को मौका मिलता है वो गड़बड़ी करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है, आज वही ईमानदार है जिसको गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसा मॉडल बनाना है, जैसे अभी क्राइम फ्री भारत में हमने कहा डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन, तो उसी फिलॉसफी को वी विल ब्रिंग हिट हियर आल्सो। डूइंग एनीथिंग नेगेटिव विदाउट फुल प्रॉपर एंड एफिशिएंट क्वालिटी विदाउट जो है ना विथ ह्यूमिलिटी, हमने ह्यूमिलिटी को भी इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि चारों तरफ से जो है आपके चरित्र का इतना हनन किया जा रहा है कि हमारे उसमें जो है ना ह्यूमिलिटी गायब होती जा रही है, हम बेहूदे होते जा रहे हैं, इवन ह्यूमिलिटी इज डिसअपीयरिंग। तो हमारा ऐप जो पेमेंट करेगा इट विल कैप्चर योर ह्यूमिलिटी इंडेक्स आल्सो, आई मीन इट द थिंकिंग इज एट दैट लेवल आल्सो। तो इसमें जो है ना सभी लोगों से ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट है, तो एग्रो इंडस्ट्री से हियर वी आर अगेन सेइंग कि हम जो है उसमें मॉडिफिकेशन चाहेंगे। वी विल यूज द GPS, वी विल यूज द टैगिंग, वी विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी विल यूज IoT devices, we will use sensor with a objective कि कोई नेगेटिव ना कर पाए, राइट? ऐसे ही जो है there will be whole lot of research on packaging part of it. So how smartly packaging could be done which will be capturing producer identity, farm identity, quality of the produce, reviews of the produce and quantity and quality तो हो ही गया है and logged with the date, time and location. And that it will be a QR code which will be packed. And then there will be a digital platform just like a Flipkart and Amazon type which will be जो है connecting the consumer and producer. बीच के जो लोग हैं they will become the part of the our chain.
क्योंकि उनको भी तो अनएम्प्लॉयड नहीं करना है ना, तो वेदर द ट्रांसपोर्टर्स, वेदर द वेयरहाउस वाला, वेदर द कोल्ड चेन, दे विल बी द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड इसकी जो पूरी कॉस्ट है वो कॉस्ट हम जो है लोड नहीं होने दे रहे हैं, तो उसका एक लोडिंग का सिस्टम बनाया है। बिल्कुल तो उसमें जो है ना, जो हमने कहा है कि हमने कॉस्ट को जो है थोड़ी सी उसके ऊपर विजय पा ली है। अच्छा वाह। राइट। हाँ। और हमने जो है ना करेंसी पे भी विजय पा ली है थ्रू द सीएफबी वैलेट, एंड सीएफबी वैलेट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जैसे गूगल वैलेट है, एयरटेल वैलेट है, समथिंग लाइक दैट, इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम विद लिटिल एक्स्ट्रा फीचर्स व्हिच विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीएफबी। राइट। अब जो है ना आप इसका चमत्कार देखिए कि कैसे हम जो है ना ज्वाइंट वेंचर पर पहुंच रहे हैं। तो हमने उसका मॉडल लिया है एलआईसी से। हमने कहा है कि इसके लिए ओपिनियन लीडर्स होंगे जिनको हम कहेंगे सीएफबी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, राइट, एंड उसके नीचे जैसे जो जैसे एलआईसी का एजेंट होता है, दे विल बी द वॉलंटियर्स, हम उसको एजेंट कहना अच्छा नहीं मानते हैं, सो वी विल से कि दे आर द बिजनेस डेवलपमेंट वॉलंटियर्स। और ये जैसे कि आप एलआईसी की पॉलिसी कराते हैं, ऐसे ही उनका काम ये है कि पूरे फीचर्स किसान को वन टू वन जाके समझाएं और उनको जो है ना ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन कराएं। ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट में वो सब चीजें जो अभी अपन कह रहे हैं, ये सब चीजें उसमें लिखी होंगी। राइट। और वो डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए, तैयार करने के लिए, बताने के लिए ही विल बी गेटिंग ए गुड सम ऑफ मनी, 2000 से लेकर 10,000 का जो है ना रखा है, और टारगेट है कि वो एक महीने में 1,00,000 से कम की परचेजिंग पावर उसे नहीं मिलना चाहिए। सो ही कैन अर्न मोर देन 1,00,000, और जब तक ज्वाइंट वेंचर चलेगा उसको इसके ऊपर एक एनुअल रिटर्न भी दिया जाएगा। जैसे कि एलआईसी पॉलिसी में होता है कि आपका एक बार उसने एलआईसी भर कर दिया तो उसको हर साल जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसका परसेंटेज जाता है, तो इसमें प्रीमियम तो कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन सीएफबी अपने तरफ से उसको जो है ना एक परसेंटेज देगा, सो दैट वी वांट टू मेंटेन ए हैप्पी इनकम ऑफ अवर ओपिनियन लीडर्स आल्सो। राइट। अब जो है किसान के लिए तो चमत्कार हो रहा है। नंबर वन, किसान को मेहनत नहीं करना है। राइट। किसान को ज्ञान नहीं समझना है, ज्ञान नहीं बांटना है, उसको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। राइट। Rather, I am against any knowledge or awareness. क्योंकि हमारा ये मानना है कि या तो हम फ्लैट सरफेस हैं तो वो ज्ञान होल्ड करने की ताकत नहीं रखते हैं, और या हम बड़े पात्र हैं जो ऊपर तक भरे हुए हैं तो वो ज्ञान उनमें असिमुलेट करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहे हैं ज्ञान से, तो आपका ज्ञान उन्हें असिमुलेट करने में जो है ना वो नहीं रहेगा, बल्कि आप उनको ज्ञान बांटेंगे तो उसमें वो नुक्स निकालने में ज्यादा अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। तो हमें ज्ञान बांटना ही नहीं है और हमें अवेयरनेस बांटना ही नहीं है, हम इसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हम बताएंगे आपको बाद में कि हाउ वी आर कन्वर्टिंग। तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब बहुत खुल गए थे, सब खाली पड़े हुए हैं, उन सब सेंटर्स को सीएफबी विल बी यूजिंग फॉर द स्किल डेवलपमेंट। ओके। और उनको जो है जो जिनको उनको बिल्कुल स्पेशलाइज जो है ना स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी, जिसको जो काम करना है, वो कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर ये नहीं बनेंगे, वो यदि मान लो उन्हें सॉइल की जो है ना वो करना है, टिलिंग करना है, सॉइल में गड्ढा खोदना है प्लांट लगाने के लिए, या उनको जो है जेसीबी को चलाना है जिससे एक्वा कल्चर, क्योंकि इसमें एक्वा कल्चर विद भी एंड टू एंड एक्वा कल्चर, एक छोटी सी स्ट्रिप रहेगी और इसका काम जो है ना एक्वा कल्चर का पानी होल्ड करना नहीं है। तो अभी आप एक्वा कल्चर जहाँ होता है आपने देखा होगा कि उसमें एक प्लास्टिक की सीट लगा देते हैं जिससे पानी नीचे ना जाए, इसमें उल्टा है, इसमें पानी नीचे जाए इसलिए उसके चारों तरफ इतने पेड़ रहेंगे कि स्पीड ऑफ द परकुलेशन शुड बी इंक्रीज। वंडरफुल। नहीं मैं तो हमारे सारे दोस्त हैं पूरे हिंदुस्तान में जो ये आप पद्धति बता रहे हैं, एग्जैक्टली एक हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक्वाफर्स बनाएं, चाहे वो लक्ष्मण सिंह जी राजस्थान में चौका सिस्टम कर रहे हों। अभी हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसान का जो है ना को कैसे वेल्दी बना रहे हैं, वो बहुत समझने की जरूरत है। तो हमने अभी जो है ना किसान लड़ाई कर रहे हैं, इतने आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी मिल जाए। राइट। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको एमएसपी भी देंगे और इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ रहा है वो इस वन एमएसपी के अकाउंट में लोड नहीं होगा, देयर विल बी थ्री अकाउंट,
एक अकाउंट रहेगा एसेट अकाउंट, तो आपकी आपकी जो है ना खेती जो है दैट विल बी उसकी जो वैल्यू उसमें रहेगी एज एसेट अकाउंट में, जो यदि हम वहाँ पे आपका जो भी पेड़ लगाएंगे उन पेड़ की कैलकुलेटेड वैल्यू विल आल्सो बी एडेड इन एसेट पॉइंट्स। आपके यहाँ पे यदि हम गौशाला के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसके ऊपर जो है ना सोलर पैनल्स लगाएंगे हम जो है ना उससे जो है ना मीथेन ईथेन और सीएनजी क्रिएट करने वाला काम करेंगे, इथेनॉल क्रिएट करने का काम करेंगे, तो वो सब चीज़ों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लाना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है इस वन एमएसपी अकाउंट में ऐड नहीं की जाएगी। तो ना ट्रांसपोर्टेशन की, ना पैकेजिंग की, ना क्वालिटी कंट्रोल की, नो कॉस्ट, ना वेयर हाउसिंग की, नो कॉस्ट इज गोइंग टू दिस वन एमएसपी अकाउंट। उसको खेत पे जो बायोगैस कहें, हमारे दोस्त हैं बॉम्बे आईआईटी के हैं, उनको बहुत समझ है बायो एनर्जी की, बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा समझ है। हम उनको उनको उनके उनके नॉलेज का इसमें यूज करेंगे, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम उन तपस्वियों को खोजना चाहते हैं और उन तपस्वियों को जो है ना आप ब्रीफ करिए, हम उनको अपने मॉडल पे लेके आएंगे। बिल्कुल, वो आप हमें समझा पाएंगे क्योंकि वो तो निचोड़ा हुआ ज्ञान है कि क्या होना चाहिए। तो जैसे चाहे तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे मॉडल को सीबीजी से जोड़ दो, हम राम राज्य ले आएंगे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा समझा दें कि कैसे, हाउ इट विल वर्क, एंड देन आई वांट योर रिएक्शन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ माय मॉडल, फिर देन वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स, राइट? तो जो है इसके बाद जो तीसरा अकाउंट है दैट इज द, हमने उसका नाम दिया है वन एमएसपी प्लस अकाउंट, करेक्ट, क्योंकि वन एमएसपी को तो कॉस्ट से फ्री रखना था इसलिए उस अकाउंट को सेग्रीगेट कर दिया, राइट? क्योंकि नो कॉस्ट विल बी लोडेड ऑन इट, ना सीड की, ना पानी की, ना इस कोई नो कॉस्ट विल गो। इसका मतलब है किसानों को वन एमएसपी जो भी उनका प्रोड्यूस होगा इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकमरेंस, मतलब शुद्ध लाभ, शुद्ध प्रॉफिट, कोई कोई कॉस्ट उसके ऊपर नहीं। तो अब उस कॉस्ट को सेटल करने के लिए हमने जो एक फंडा निकाला है उसको हमने नाम दिया है वन एमएसपी प्लस अकाउंट, और उसमें जो है ना तीन चार तरीके के पैसे आ रहे हैं। एक पैसा आ रहा है कि हम जो है यदि किसान में थोड़ी सी समझ है, यदि हम उसकी स्किल डेवलपमेंट करके उसको फील्ड मैनेजर बना सकते हैं उसके अपने फील्ड का, तो हम उसको ₹1,00,000 पर मंथ तक का जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम देना चाहते हैं, राइट? और ये जो रेवेन्यू उसको फील्ड मैनेजर यदि वो उपयोगी नहीं है तो उस पर एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, देन समबडी एल्स विल बी पोस्टेड एज द सीएफबी फील्ड मैनेजर इन योर फील्ड, राइट? Then you will not be getting that salary, right? So the salary will go to that another person. So ये जो salary है, it will go to the one MSP plus account में, right? तीसरा जो है ना, बहुत सारी जो है ना farmer producer organizations का एक नया concept government of India लेके आई है, so we will be creating n number of the things, जो कि उसमें जो है ना इनको ₹2,000 जमा करना है as per the government of India scheme, तो वो उनको पत्ती मिल जाएगी, they will become the equal partners. तो उसका जो डिविडेंड इनको मिलेगा दैट डिविडेंड विल गो आल्सो इन वन एमएसपी प्लस अकाउंट। दिस वन एमएसपी प्लस अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर सेटलिंग ऑल कॉस्ट। क्योंकि हम इतने बड़े एरिया में जो है ना एक्वा कल्चर करेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट जो है ना गौशाला बनाएंगे, गौशालाओं में जो है स्टेट ऑफ आर्ट जो है ना ध्वनि यंत्रों को जो है ना रखा जाएगा जिसमें मंत्र चलेंगे, उसमें जो है मैकेनाइज जो है हवन कराने के लिए जिससे पंडितों के हम ना फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन कैसे बच सके, तो उसके लिए हवन यंत्राज रहेंगे जो एकदम डॉट गिवन टाइम पे जो है ना हवन किया जाएगा, वो जो भी वैदिक वेद के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है उस टाइमिंग पे वो हवन होंगे और एक से ज्यादा बार होंगे। फिर इसके बाद कुछ सेट रहेगा जिसमें आप गाय को सजा के खड़ा किया जाएगा पूजा करने के लिए, तो जो हॉट टोकन प्राइस पे जो है द पीपल विल बी, तो जो टोकन मनी आएगी दैट विल आल्सो गो वन एमएसपी प्लस में, राइट? जो जो आपका ये पैसा आएगा इसका, इसमें जो है ना चारा खिलाने का भी रहेगा, तो जैसे जो बहुत सारे लोग जाके गाय को चारा खिलाना चाहते हैं तो आप टोकन अमाउंट दीजिए, आप चाय को चारा वहीं से उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपको कहीं से लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको खिला दीजिए एंड यू विल बी चार्ज ए टोकन अमाउंट फॉर इट, दैट टोकन अमाउंट विल आल्सो गो इन वन एमएसपी प्लस अकाउंट में। देन उसमें पूजा करने का प्रावधान भी रहेगा, तो आप पूजा कर सकते हैं। एंड तीसरा जो है उसमें यू कैन गाय से मिलनी करना और वो करना,
तो वो ये जो ये सभी अर्निंग है दे विल गो इनटू द 1 MSP प्लस अकाउंट और इसमें जो है गांवों को जो है ना एक एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल देने की कोशिश की जाएगी, इंक्लूडिंग उनकी वादिंग की व्यवस्था, उनकी मसाजिंग की व्यवस्था, उनकी ब्रशिंग की व्यवस्था। तो उसके लिए यदि इक्विपमेंट अवेलेबल है तो ठीक बात है, नहीं तो हम डिजाइन करेंगे उसे, ठीक है ना। सो दैट इज द सोच। इसी तरीके से जो प्लांटेशन होगा वो 3-layer प्लांटेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो बहुत छोटा है तो समथिंग मे बी डेडिकेटेड ओनली फॉर द गौशाला, समथिंग मे बी डेडिकेटेड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ द से हॉर्टिकल्चर। लेकिन बड़ा फील्ड है तो उसमें हॉर्टिकल्चर भी रह के प्लांट भी रहेंगे, उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रहेंगे, उसमें फॉडर प्लांट्स रहेंगे और उसमें जो है आपके सीरियल्स वेजिटेबल्स रहेंगे, आपकी बी कीपिंग रहेगी, गौशाला रहेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को क्रिएट करने का पूरा मैकेनिज्म रहेगा और वो इट विल बी मिक्स विद द टेक्नोलॉजी आल्सो। तो केवल पुराने वैदिक ज्ञान का यूज किया जाएगा लेकिन परोसा जाएगा विद टेक्नोलॉजी। और उसमें जो है हम यूज करेंगे आपका गोबर, आपका गाय का मूत्र, अर्थवर्म, वी विल बी यूजिंग द फॉरेस्ट रेसिड्यूज, वी विल बी यूजिंग द क्रॉप रेसिड्यू, वी विल बी यूजिंग माइक्रोब्स आल्सो। एंड तो ये ऑर्गेनिक फैक्ट्री जो है ना फर्टिलाइजर ना होके, और इसमें यदि जरूरत होगी तो जैसे मिनरल वाटर होता है, यदि कोई सॉइल किसी पर्टिकुलर मिनरल्स में डिफिशियंट है तो उस कैटेगरी को बांट के वी विल बी पुटिंग द मिनरल्स आल्सो इन इट। सो इट विल बी ए ऑलमोस्ट ए एंटीडोट फॉर द सॉइल। थोड़ा मेरी जो सोच है ये ठीक है, ये तो करेंगे ही और उतने उसमें महीने की भी जरूरत नहीं है, वो सब भ्रांति है। अभी जो जिस मैं सीबीजी की बात कह रहा हूँ, कंप्रेस्ड बायोगैस की जो बात कह रहा हूँ, जो चाहे बैम्बू को 2 रुपए किलो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में किसान को, और MSP प्लस में जाएगा, और जैसे खस की खास में बात करता हूँ, बार बार बात करता हूँ, ज़्यादा अच्छा है और मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है और पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा है। और जो मल्टी लेयर की बात कर रहे हैं उसमें हम 6-7 layer की बात कर सकते हैं। तो that will be that जो आप बात कर रहे हैं that is question of detailing, right? नहीं, not detailing. What I am suggesting is something very simple. ये 2 रुपए किलो की मानिंद जो आपका surplus biomass है, जो आपके भोजन के बाद, आपके मवेशी के भोजन के बाद जो बचता है, वो जो एनर्जी है उसका इनसेशियबल डिमांड है। और करंट गवर्नमेंट का बहुत अच्छी स्कीम है कंप्रेस बायोगैस की, तो 2024 तक अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी UN में घोषणा की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो जो आपने वो जो जो LIC के कर्ज पर जो लोग बनाए हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी लाने हैं एग्रीगेटर को, तो वो जो ऐसे 5,000 जो लगने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो आप समझें कि हमारे बांस को कटाई करके खेत पर से कोई ले जाएगा और 2 रुपए की मानिंद किसान को दे, और बदले में ये जो CBG का प्लांट है इन पर हम दबाव डालेंगे कि वापस जो बचता है उसका एनर्जी के बाद, वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो आप समझें चमत्कार। आपको कुछ दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज CFB विल बी हैविंग द कंट्रोल ऑन द माइक्रो प्रोसेसेस, राइट। क्योंकि आपने किसान को तो बने MSP दे दिया है, राइट। और आप उसके खेत में सब कुछ फ्री कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं तो वो फ्री में खोद रहे हैं, राइट। मतलब कॉस्ट जो ना दूसरे अकाउंट में जा रही है, आप जो है ना आपने इसमें अगर करप्शन फ्री कर लिया तो हम आप मिलकर इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देंगे। करप्शन तो होना, आप जो करप्शन कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नेगेटिव बिहेवियर नहीं होना है, कि करप्शन तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं सिस्टम के करप्शन की कह रहा हूं, सिस्टम में। अरे सिस्टम के, सिस्टम को तो करप्शन करने नहीं, ना क्राइम फ्री भारत हमने पैदा किया हुआ है ना। देखिए क्राइम फ्री भारत तो जो है ना वो गवर्नमेंट को मजबूर करेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने गवर्नमेंट को महान बना के रखा है, गवर्नमेंट बिल्कुल महान नहीं है। वो जो वो कहते हैं ना कि हम तो आपके सेवक हैं, वो 200% हमारे सेवक हैं। जिस संविधान के माध्यम से वो हमारे पास हमारे पहुंचे हैं, उस संविधान में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी तय की गई है, राइट। जैसे
शेड्यूल 7 में जो तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 इज अ सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 इज अ स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट. उसके लिस्ट आइटम नंबर 2(1) है लैंड ऑर्डर, जिसमें इन्होंने तीन सरकारों को बाबरी मस्जिद के समय पर डिमोलिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फॉर फेलुअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिकॉज इट कुड नॉट मेंटेन लैंड ऑर्डर, एंड लैंड ऑर्डर इज द नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सिमिलरली पुलिसिंग इज ऑल्सो नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो यदि आपके यहाँ पे 80-90% FIR दर्ज नहीं हो रही है और हमारे पास पूरा प्रूफ है, तो गवर्नर को चिट्ठी लिखी जाएगी ना कि आप इनके 356 में इनके डिसमिसल के लिए रिकमेंडेशन करो. कब तक आप मोटी खाल रखेंगे? यदि एक सरकार भी गिर गई तो फिर आपको FIR दर्ज कराने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. ये स्ट्रगल सिर्फ 21 साल का है. जब जो है, जब CFB अपनी मसल को फ्लेक्स करेगा ना, तो अधिकारी भी दड़बे में, थानेदार दड़बे में घुस जाएंगे, उनको तो साली औकात नहीं है गड़बड़ी करने की. SP की भी औकात नहीं है, पुलिस विभाग की भी औकात नहीं, होम डिपार्टमेंट की औकात नहीं, होम मिनिस्टर की औकात नहीं, चीफ मिनिस्टर की औकात नहीं, क्योंकि 356 में सरकारें करेंगी. और क्योंकि आपका जो है ना, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यदि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इट इज ए फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. आर्टिकल 356 में जो है ना, पहले से व्यवस्था है, हम उसका यूज ना करके इनको अपनी दादागिरी करना देना चाह रहे हैं. और चूंकि नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो जो है ना, दूसरे को फिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो फिक्स करेंगे तो कल वो भी फिक्स हो जाएंगे, तो इस डर से वो फिक्स नहीं होने देना चाहते हैं. दैट देयर लाइज द प्रॉब्लम. नहीं, मैं जिस बिल्कुल आपकी बात 100 आना सही है, जो 16 आना सत्य है. जो मैं कह रहा हूँ, जो हमारी तो स्पिरिचुअल जर्नी थी, और मुझे लग रहा है, मुझे तो साफ 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 दिख रहा है कि अगर हम जल्दी ना चेते, जल्दी का मतलब 10-15 साल, वो बहुत छोटा अरसा होता है. और आप जो कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा विचार है. ये पूरा तो गैमट है, एक बड़े तौर पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर और उसके बीच का जो पुल बनना, और साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ें इस्तेमाल करना. बट पूर में जो सबसे बड़ी चीज़ है, तो मेरे हिसाब से वो है प्रोड्यूस, वो है ऐसा प्रोड्यूस जो लोगों के रोग को ठीक करे और प्रिवेंशन करे. देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी से अभी बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि हाउ वी विल बी हैंडलिंग द ट्रांसपोर्ट, हाउ विल बी वेयर हाउसिंग, अब उसको छोड़ देते हैं के लिए. Let's come to the second dimensions of the crime-free Bharat. So this was the agro dimension. Then the third dimension is the CFB Ayush dimension, जिसमें हर गांववासी का जो है medical checkup होगा. बहुत अच्छा. हम उसका जो है ना योगा meditation वगैरह का जो है ना उसमें होगा, spiritual discourse का जो है ना उसमें होगा, उसमें एक CFB infotainment ला रहे हैं. क्योंकि हमारा मानना है कि आपके सामने विकृति पैदा की जा रही है, आपका वैल्यू सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, आपको पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, आपको डिबाउच करेक्टर परोसा जा रहा है. इसके लिए डी कंपनी, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, वो सब जो ना जुड़े हुए हैं, जो कि लोग बाग जो हैं, और इनका कुछ डिबाउच करेक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो या तो ये पैसे के लिए कर रहे हैं, या ये डिबाउच करेक्टर के लिए कर रहे हैं, एनी ऑफ द थिंग्स जो है ना, वट एवर बी द रीजन, बट या तो जो है ये अपने करेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश. अदरवाइज आप देखिए, हर फिल्म में, हर उसमें जो है हिंदुओं को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है. आजकल बहुत सारी फिल्में जो है ना, मजारों की पूजा से शुरू होती है, उसमें जो है ना मुसलमानों को जो है ना, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से, इट इज नॉट ओनली दैट रिलीजन पार्ट, इट इज आपका जो है ना पोर्नोग्राफी पार्ट, इलिसिट रिलेशन को जस्टिफाई किया जा रहा है. हर सीरियल में देखिए, किसी का दूसरे से टाका भिड़ा हुआ है, उसके इलिसिट रिलेशनशिप हैं, वो जो है ना लिविंग रिलेशंस को जस्टिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है. आप ये देखिए, मेरी एक डेफिनेट सोच है, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से धरती पर उससे अच्छा एनजीओ कोई जी, ये ना सिर्फ सचरित्र हैं और बहुत बड़े लिखे हैं, और इनके वैल्यू सिस्टम का कोई सानिक नहीं है.
पूरी दुनिया में वो मुझे मानते भी हैं और मेरी पद्धति को। तो क्या हम उन 2 करोड़ लोगों को सीएफबी के इस ग्रांड इनिशिएटिव में जोड़ सकते हैं क्या, मेगा इनिशिएटिव में? वही 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 मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा है मुझे ले चलेंगे वो कलकत्ता बेलूर मठ, जाऊंगा मैं, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि विवेकानंद। और आप जब आपको लगे मैच्योर हो गया, आई विल फ्लाई टू कोलकाता टू जो है ना मीट ऑल ऑफ देम एंड वी कैन स्ट्राइक ए वेरी फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर इट। या नो कि व्हाई इन्वेंट द व्हील, इतने अच्छे लोग हैं, गायत्री परिवार है, रामकृष्ण मिशन है, ये धरती से जुड़े हुए लोग हैं, इनको इनको साथ लाने की जरूरत है, अच्छे लोगों को साथ। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से जुड़ा हूं, सदगुरु जो है ना वासुदेव से जुड़ा हुआ हूं, 1-to-1। नहीं मैं कह रहा हूं ये जो जो मेरी जो है ना रविशंकर जी से 1-to-1 मीटिंग है, ठीक है ना, जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। हां मैं भी वही कह रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी सोच के लोग हैं, अच्छी सोच के लोगों को हम यदि सामने ले आएंगे तो दे कैन बिकम आवर द ओपिनियन लीडर। क्योंकि देखिए हम जो है ना हर किसान पर नहीं पहुंच सकते हैं, हम हर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते हैं, हम उसकी रीडिजाइनिंग में, तो ये लोग जो है दे विल अरेंज द मीटिंग, दे विल, तो जहां पर डिस्कोर्स करना है आई एम हैविंग दैट। देखिए एक चीज पतंजलि जी मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ भी मैं छोटा इंस्टेंस कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ रामकृष्ण मिशन का मठ है, नरसिंह भी उनको इज्जत करते हैं, वो सारे लोग उनको इज्जत करते हैं, तो वाई रीइन्वेंट द व्हील, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको इसमें जोड़ने की आपको मतलब हमारे काम को भी माने और इसमें और मदद करें, जब वो इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि ये तो वैदिक भारत को वापस ला रहा है ना, ये तो मंत्रों की बात कर रहा है, हवन की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल की बात कर रहा है, वैल्यू इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ये तो स्वस्थ की बात कर रहा है। साइंटिफिक टेम्परमेंट के लोग हैं, विवेकानंद जी साइंटिफिक टेम्परमेंट के थे, तो बिल्कुल है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं, तो बिल्कुल ये आगे बढ़ सकती है बात इसमें, तो जो और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं we will try to take advantage of them and एक हमारी जो लीगल, हमने जो ना हमारे बहुत सारे वकील हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे CAs हमसे जुड़े हुए हैं, तो they will create a very holistic kind of the solution, हमारे जो जो साइंटिस्ट हैं, जो IT वो है, they will create कि आप ये इंफॉर्मेशन डालिए, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे विद इन नो टाइम, राइट? द डॉक्यूमेंट विल बी डिजिटली साइन, सो इट विल बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, सो एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, और जो भी बात अभी हम कह रहे हैं दैट विल बी डॉक्यूमेंटेड इन ए जॉइंट वेंचर डॉक्यूमेंट, तो हम जो है बहुत जल्दी जो है भारत को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब जो है ना इसमें एक सवाल, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इकोसिस्टम की, कि अकेला जो है ना रोटी से काम नहीं चलेगा, तो यदि आपके अमृत तुल सब चीजें हैं, अन्न भी अमृत तुल है, फल भी अमृत तुल है, शहद भी अमृत तुल है, दूध भी अमृत तुल है, घी भी अमृत तुल है, तो इस अमृत तुल से जो है ना मिला के एक कंपोनेंट पूरा हो रहा है, वो रोटी कंपोनेंट। अब कपड़ा, मकान, और अब तो अपन को जो है ना एक्सेट्रा जोड़ना पड़ेगा, जिसमें मोबाइल्स आएंगे, कंज्यूमर गुड्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बिकॉज इट इज नॉट गुड कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं उससे जो है ना वैदिक के नाम पे उनको डिप्राइव करना इज नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी। नहीं नहीं आप तो, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ इतने सारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट पड़े हुए हैं, इतने सारे सारी जगह है जहाँ कुछ है, लोग बेरोजगार, उनको राइट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं देते हैं? तो देखिए मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए आप फॉरेस्ट के पास जाएंगे, वो जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर देखिए आप जस्ट ए मिनट, वो इतने दुष्ट लोग हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो जिस विभाग का जो काम है वो उसका उल्टा कर रहा है, पुलिस विभाग का काम जुआ सट्टा रोकना है, वो जुआ सट्टा चला रहा है, EOW और लोकायुक्त का काम है तो वो जो है ना उनसे मंथली देके भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम जो है ना ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इलीगल को रोकना है तो वो उसको पेट्रोनाइज देते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का काम जो है ना इलीगल दारू ना बिके तो उसको वो गांव-गांव के मोहल्ले मोहल्ले में दारू पहुंच गई है तो वो जो है ना उनके सपोर्ट से हो रहा है, फूड डिपार्टमेंट का काम एडल्ट्रेशन को रोकना है
तो वो अल्ट्रेशन कराओ, खूब जोर से करो, हमें पैसे दो। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपका बहुत फ्रेंडली जो है ना रोल अदा नहीं करेंगे। तो बट आई एम सेइंग कि इनसे अपन गवर्नमेंट से बात करते रहेंगे, मतलब उनसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम फोकस जो है ना प्राइवेट को दें, जिसमें हमें किसी से बात ही नहीं करना है। सो वी वुड बी यूजिंग द गवर्नमेंटल स्कीम्स, गवर्नमेंटल इंसेंटिव, बट इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हम सीधा किसान को फायदा पहुंचाए ना। देखिए अभी आप देखेंगे जो भी गौशाला लोग चला रहे हैं उनका इंटेंट खराब है। वो जो है ना अधिकांश गौशालाएं इलीगल जमीन पे जो है ना चराई की जमीन पे कर रहे हैं, किसी ने अपने जमीन पे गौशालाएं नहीं खोली है या कम लोगों ने खोली है। आई एम सेइंग कि हम अपने खेत में गौशाला बनाए ना, हम अपने खेत में जो है ना सब तरीके के प्लांट लगाए, हम अपने खेत में जो है ना एंड टू एंड जो है ना एक्वा कल्चर बनाएंगे जो एक दूसरे से पाइप से जुड़े रहेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना पानी रोकना मकसद नहीं रहेगा, पानी जमीन के अंदर भेजने का मकसद रहेगा। और आपके जो नए जो फंडे हैं ग्रास के, इसके वो सब वहां लगाएंगे जिससे वी कैन इंक्रीज द परकुलेशन स्पीड। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 साल में ग्राउंड वाटर 8 से 10 फीट ऊपर होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, थ्योरेटिकली नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसके पहले तक ही हम जो है ना उसको अपने डाइवर्ट कर लेंगे तो उसको जमीन के नीचे भेज देंगे। थ्योरेटिकली, आई एम नॉट टॉकिंग प्रैक्टिकली, आई एम टॉकिंग थ्योरेटिकली। हम जो है ना एक नदियों का नेटवर्क क्रिएट कर देंगे ना, तो पानी वहां से इकट्ठा होके इधर चला जाएगा। हेलो, होशंगाबाद में पिछले साल आप नर्मदा जी को क्रॉस कर सकते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हमको पर्यावरण वालों से समझ के करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे तो हम तो नदियों का गहरीकरण भी करेंगे, उसमें स्टॉप डैम भी बनाएंगे, वो भी मिट्टी से। नहीं करनी चाहिए ये चीजें। खैर, तो जो चीज जहाँ कोई मतभेद कहीं नहीं है वो है पानी को स्लो करना, पानी को पकड़ना। और देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें रिसर्च कंडक्ट करके वी कैन फर्दर डू दैट, राइट? बिकॉज हमारे जो कंपोजिट कल्चर है उसमें तो एक्वा कल्चर को हम हर फील्ड में लाना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट इज ए स्ट्रेटेजी टू टेक वाटर इनसाइड। तो वाटर स्ट्रीम से पानी एक पॉन्ड में आएगा, दूसरे पॉन्ड में आएगा, एंड ऑल पॉन्ड्स विल बी कनेक्टेड। और जब वो पानी सूख जाएगा तो हम उसको जोत के जो है ना उसमें फसल भी पैदा कर लेंगे। और जब तक नहीं है तब तक उसमें हम फिशेस भी कर लेंगे, एलगी भी कर लेंगे, सिंगाड़ा भी कर लेंगे। और जो हमको नहीं मालूम है, चूंकि आई एम नॉट ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो सूची बना के क्या क्या किया जा सकता है वो सब करवा लेंगे उसमें। So that will become additional source of income and that will go into the one MSP plus account. इतनी सारी गांधीयन संस्था है, इतने अच्छे लोग हैं जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। जैसे ये नदी अपना वो छोड़ती है जब मिट्टी, जैसा आपने कहा, तो गरीबों को देना चाहिए, वो उगाने दो मतलब। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे आपके माध्यम से अच्छे लोग हों जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखिए एक काम जब अपन सरकार के माध्यम से कराते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा सीएफबी का मॉडल जो कि अवेयरनेस मॉडल है, और चूंकि सभी चीजें अधिकांश चीजें, देखिए एक समय हुआ करता था कि रिसोर्सेज वेयर इन कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। आज जो है ना आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी भी आप हायर कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है कि नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यदि हम उनको लाभ का सौदा दिखा के, इफ दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सीएफबी पार्टनर, देन हमें रिसोर्सेज चाहिए ही नहीं है। तो फिर हमें जो है ना जबरदस्ती जो है ना गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन मोर क्रिटिकल इशूज, इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करे, इंटरनल डिफेंस के लिए करे। बाकी अधिकांश समस्याएं इंक्लूडिंग सब्सिडी लोड, हम तो सब्सिडी लोड भी जो है ना आने वाले 4 साल के बाद सब्सिडी लोड जीरो कर देंगे गवर्नमेंट का। हम इतना जो है ना रेवेन्यू क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कैन कंसीडर रिड्यूसिंग द टैक्सेशन।
टैक्सेशन जो है ना विल बी जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पज, टैक्सेशन विल नॉट बी फॉर कलेक्शन ऑफ द मनी फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए तो हम इतना पैसा उनको गवर्नमेंट को दे देंगे कि गवर्नमेंट को कैसे खर्च करना है शायद इसके लिए उन्हें बहुत सारे जो है नीति आयोग बनाना पड़ेंगे। बिल्कुल, तो हम लोग एक बार कल फिर से इसकी इसको चर्चा को जारी रखेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं झा साहब जो है ना आप चल के आए हैं, आज आपने ट्रेन से जर्नी की है, आपने अपने कंफर्ट का बिना जो ना ध्यान दिए, आप हमसे चर्चा से जुड़े, आप बहुत ही रिलेवेंट जो है ना व्यक्ति हैं। आई ट्रीट यू वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स पर्सन फॉर द सीएफबी एंड वी हैव टू रियली नेटवर्क एंड क्रिएट and we have to create different yeah अच्छे लोगों को साथ आने की जरूरत है इस कंट्री में, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन हम एक चीज कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमसे जुड़ेगा हम उसे रेवेन्यू और वेल्थ अबंडेंस में देंगे, क्योंकि देखिए आप मुफ्त में यदि काम कराएंगे तो वो काम जो है ना कुछ समय बाद उसको सेकंड प्रायोरिटी में आता है। देश का इतना बड़ा काम किसी की सेकंड प्रायोरिटी नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी द रेसिडुअल वर्क ऑन द रेसिडुअल एनर्जी। तो मैन एनर्जी यहाँ आना चाहिए, यही मैन काम होना चाहिए। आप जितना आज कमा रहे हैं उससे 5 गुना और 10 गुना मैं आपको देने का वादा करता हूँ, तो फिर आपको फिर क्यों आप दूसरा काम करना चाहते हैं। सही बात, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पॉवर्टी खत्म होगी, और जो सरल चीजें मैं कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट तो आप छोड़ दीजिए, आपको जो है ना बगल से जो है ना अभी आप जाते हो काम करने के लिए, आपकी जो है ना बगल से बांग्लादेश यहाँ वहाँ के जहाँ के भी लोगों को यहाँ आना होगा, वी विल क्रिएट एंड दे विल कम थ्रू द प्रॉपर, इलीगली नहीं आएंगे ये जो है ना, वो आधार कार्ड नहीं मिलेगा उनको, बदमाशी नहीं मिलेगी उनको, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, बट दे विल अर्न एंड सेंड द रेमिटेंस टू देयर कंट्री। सही बात, सही बात। सो वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉलिटिकल राइट्स विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आज जैसा नहीं होगा कि ममता बनर्जी जो है ना वो रोएंगे आए और इनको जबरदस्ती जो है ना उनको, सो नाउ द पॉलिटिक्स इज वर्किंग। आप जो है ना वहां पे जो है ना पंडितों को भगा रहे हैं और रोहिंग्या को हाँ जम्मू एंड कश्मीर में सेटल करा दिया, ये तो बिल्कुल दुष्टता की पराकाष्ठा है, तो ये दुष्टता नहीं चलेगी। और सीएफबी वुड बी हेल्पिंग द गवर्नमेंट, राइट? तो मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छी वार्तालाप हो गई है, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम लोग जो है। अभी मुझे आपकी बात सुनने का मौका नहीं मिला है, तो अगले सेशन में आपको अपना मॉडल समझाना है, फिर अपन एक्सप्लोर करेंगे कि उसको कैसे और फाइन ट्यून करके हम इंटीग्रेट करें, नंबर वन। नंबर टू जो है, आप जो है ऐसे रिसोर्स पर्सन, जैसे आप आईआईटी का बंदा बता रहे थे, खड़गपुर का कहाँ का बता रहे थे वो, आप जैसे रामकृष्ण वालों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट हैं उनको जोड़ेंगे। अच्छे लोग से को एक कबीरपंथी, मैं आपको वाक्य बताता हूँ। एक हमारे साथ खेत पर आए महंत थे और करीब 50,000 लोगों के मतलब लीडर थे, तो और उन्होंने मुझे मिसमराइज किया पूरे रास्ते में, भोपाल से मेरे खेत के रास्ते तक। तो उनको 2000 जो है याद थे कबीर के और रहीम के, तो और जब वो हमारे खेत पर पहुंचे, जंगल है उनके, उन्होंने कहा उतरते साथी कहा ये तो कबीर का टेम्पल है, मंदिर है। बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने, वो आपकी तो, तपस्या थी बेसिकली। नहीं नहीं ठीक है, तो ये लोग अच्छे लोग हैं, ये जुड़ेंगे और लोग तो, करेंगे इसको जोर से करेंगे, तो बहुत सारे आज इस सेशन को जो है ना इस संकल्प के साथ कि हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, अच्छे लोगों को जो है ना मुफ्त में नहीं जोड़ेंगे ये भी संकल्प लेते हैं, जिससे कि उनकी रेसिडुअल एनर्जी यहाँ ना आए, मैन एनर्जी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने इस संकल्प में फेल होते हैं तो पूरा देश जो है ना कैंसर में झुक जाएगा, पूरा देश जो है ना बीमारियों से जूझेगा, पूरा देश जो है ना आपका जो क्लाइमेटिक चेंज से जो है ना जूझेगा, और बहुत सारे देश तो विलोपित हो जाएंगे क्योंकि पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी चेंजिंग द ज्योग्राफी ऑफ द ग्लोब। इसके पहले ये जो है ना नेचर अपना आक्रमक रूप दिखाए, यदि हम ये सब करेंगे तो नेचर भी शांत हो जाएगा। 100% मैं तो इसलिए समाधान की मैं बात करता हूँ, प्रॉब्लम तो आपने बहुत अच्छे सब गिनाए हैं, बिल्कुल सही है, है ना। तो आज का सेशन यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी समाप्त करें अपन। बिल्कुल बिल्कुल, कल फिर से, या जब आपको कल फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये अच्छी बातें जो है ना जल्दी से जो है ना दे शुड कम ऑन रिकॉर्ड एंड दे शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक।
सो दैट मैं ये मानता हूं कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी दो लोगों के बीच की वार्तालाप नहीं होना चाहिए, दिस एनर्जी शुड गो फॉर द लार्जर कंजम्पशन। और उससे उससे फायदा क्या निकलेगा कि देयर आर मेनी लाइक माइंडेड पीपल, जब वो ये बात सुनेंगे तो वो अपने से हम उनको खोजने की कोशिश करेंगे, शायद तब वो हमको भी खोजे और हम लोगों का समागम होगा तो हम इस देश को जो है ना पुनः जो है ना वैभव बना पाएंगे, वेल्दी कंट्री बना पाएंगे, फिर से जो है ना ये सोने की चिड़िया होगा, बल्कि सोने की चिड़िया नहीं होगा, सोने की नदियां बहेंगी, वेल्थ की नदियां बहेंगी। और सबसे बड़ी बात है इट इज नॉट द समृद्धि, दोबारा वैदिक ज्ञान वैदिक संस्कृति प्रफुल्लित होगी और सब जगह जो है प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ खुशहाली होगी। सही बात, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ जो है, वेल्थ में रुइन ए पर्सन इफ इट इज नॉट प्रॉपरली चैनलाइज्ड। सही बात। तो आपसे इजाजत लेते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।